छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा के जंगलों में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि कुख्यात नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों के 2000 जवानों की टीम अलग अलग इलाकों से जंगल के अंदर घुस रही थी। नक्सलियों को शायद जवानों के आने का अंदाजा पहले से था, इसलिए शुरुआत में उन्होंने जवानों को डिस्टर्ब नहीं किया और उन्हें घने जंगल में अंदर घुसने दिया। सुरक्षा बलों की टीम कई हिस्सों में बटी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक हिडमा की बटालियन ने जवानों की टीम को अपने एम्बुश में फंसा लिया, जो यू शेप में था। आइए जानते हैं यू शेप एम्बुश क्या है और इसमें सुरक्षा बलों को कैसे फंसाया। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। सूत्रों के मुताबिक जोनागुड़ा का पहाड़ी इलाका गुरिल्ला क्षेत्र माना जाता है। यहां छिपकर हमले की रणनीति ही कारगर होती है, जिससे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। सुरक्षा बलों की सभी टीमों को इनपुट मिल रहा था कि नक्सली कमांडर हिडमा यहां छुपा हुआ है, जिसके चलते एक के बाद एक जवानों की टीम यू शेप एम्बुश में फंसती चली गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यू शेप वाली जगह पर फंसे जवानों को हिडमा की बटालियन ने तीन तरफ से घेर लिया। हिडमा की बटालियन पहाड़ के ऊपर थी और जवान नीचे। इसके बाद जवानों की घेराबंदी कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से घिरे जवानों के पास कोई चारा नहीं बचा। उसके बाद भी जवानों ने हिडमा की बटालियन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ जवानों ने जोनागुड़ा से लगे गांव की ओर पोजीशन के लिए वहां जाने की कोशिश की, लेकिन नक्सलियों ने वहां भी उनका पीछा करके फायरिंग की। नक्सली हमला कर हथियार सामान लूटते गए और पीछे जंगलों में भागते गए। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सली मौके से 4 ट्रैक्टर में भरकर अपने साथियों के शव लेकर गए हैं। कुछ दिन पहले ही हिडमा ने पुलिस को चुनौती भी दी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।